हेलो, आज हम पढ़ रहे हैं हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। हाईवे ट्रांसपोर्टेशन का आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड टॉपिक, जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, इसका मतलब हम कहाँ पे कौन सी सड़क बनाने वाले हैं, उसको कैसे हम प्लान करते हैं। अब हमने एक चीज़ को प्लान कर लिया, उसके बाद में हम वो डिज़ाइन करते हैं कि जो हमने सड़क प्लान करी है उस सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, हमें उसमें अगर कोई घुमावदार मोड़ आ रहा है तो हमें वहाँ पे कैसे देना है, अगर वो पहाड़ पे है, चढ़ाई पे है तो हमें वहाँ पे कैसे बनानी है, कोई नदी नाला आ गया है तो उसको हमें कैसे ओवरकम करना है, तो वो आता है सब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में मुख्यतः ये 5 बिंदु हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, दूसरा होता है साइड डिस्टेंस, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, चौथा वर्टिकल अलाइनमेंट और पांचवा होता है इंटरसेक्शन। अगर आपने ये 5 बिंदु पढ़ लिए तो आपका जो दूसरा पॉइंट है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स का मतलब होता है जब हम कोई एक सड़क निर्माण का प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी हमें सड़क बनानी है, जैसे मान लीजिए हमें ए बिंदु से बी तक हमें सड़क बनानी है, तो हम जो सड़क बनाएंगे वो कितनी लंबी होगी, वो कौन से पाथ से होकर जाएगी, वो ऐसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी या ऐसे घूम कर जाएगी, बीच में कोई जगह नदी नाला तो नहीं है, कोई बिल्डिंग तो नहीं बनी है तो ऐसे घूम कर जाएगी, या कहाँ से हम शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा और सबसे सेफ पाथ हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आती है। इसके अलावा जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आती है वो आती हैं कि हमारी सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, उसमें अगर हमारी सड़क है तो उसमें केवल एक ही तरफ से आवाजाही होगी, वाहन केवल एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे या दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफ से होगी तो वहाँ पे कितने वाहन अलाउड है, एक बार में एक ही या दो बार दो वाहन अलाउड है, तो ये सारी चीज़ें उसकी सड़क की चौड़ाई में आ जाती हैं। तीसरी चीज़ जो सड़क क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आता है, आपने कभी सड़क पे चलते हुए ध्यान दिया होगा कि अगर आप सड़क को देखोगे तो वो ऐसे बीच से थोड़ी सी उठी हुई होती है, ऐसे बीच से थोड़ी सी उठी हुई होती है। ये उठी हुई इसलिए होती है क्योंकि अगर बारिश का पानी इसके ऊपर आएगा तो बारिश का पानी इस स्लोप के कारण ये सारा साइड से निकासी होकर निकल जाएगा, इसलिए ये बीच से थोड़ी सी उठी हुई होती है, इसको हम कहते हैं कैम्बर। तो हम जो भी सड़क बना रहे हैं उसमें हमें कितना कैम्बर प्रोवाइड कराना है, कितनी उसको उठाना है, कितना उसकी चौड़ाई रखनी है, कहाँ से कहाँ तक हम उस सड़क को ले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो होता है साइट डिस्टेंस। साइट का मतलब होता है देखना, देखना और कितनी दूरी तक देखना, वो होता है साइट डिस्टेंस। अब साइट डिस्टेंस में मुख्यतः हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, एक होता है ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप सड़क पे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सड़क है और ये गाड़ी में हम जा रहे हैं, जैसे ही आप सड़क पे जा रहे हैं और सामने से कोई दूसरा वाहन आ रहा है तो आपने उसको देखा, दूसरे वाहन को देखा, ब्रेक अप्लाई करे तुरंत, यहाँ पे आपने ब्रेक पे पैर रखा क्योंकि आप चल रहे हैं तो किसी स्पीड में चल रहे होंगे, तुरंत तो आप रुक नहीं जाएंगे, तो जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई करा कितनी दूरी तक आके आप अपने वाहन को रोक पाए, कितनी दूरी तक आके आप अपने वाहन को रोक पाए, तो जैसे ही आपने सामने वाली गाड़ी को देखा, देखकर आपने दिमाग में सोचा कि मैं साइड से नहीं निकल पाऊंगा, मुझे ब्रेक लगाने हैं, मुझे अपनी गाड़ी रोकनी है, तब से शुरू होकर और जब तक आपकी गाड़ी रुक नहीं गई उस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे ही हमने सामने आने वाली गाड़ी को देखा, देखकर ब्रेक पे पैर रखा, गाड़ी रुकी, जहाँ तक हमारी गाड़ी रुकी उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। अब दूसरा आता है ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, इसको हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक सड़क है, यहाँ से आप इस तरफ जा रहे हैं और यहाँ से एक दूसरी गाड़ी इधर आ रही है,
और आपके सामने एक दूसरी गाड़ी चल रही है जो बहुत धीमे धीमे चल रही है और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आपको उस गाड़ी से आगे निकलना है। ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं कि हमें तो जल्दी जाना है, टाइम दिया है किसी को, हमें तो जल्दी निकलना है। तो जैसे ही सामने गाड़ी जा रही है वो बहुत धीमे धीमे चल रही है और आपको इसे ओवरटेक करना है, और दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही है, तो आपने कैसे अपनी स्पीड बढ़ाई? अपने आपने लेन चेंज करी, उसके बाद में आपने स्पीड बढ़ाई, बढ़ाते समय आप इसके सामने आके अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। तो इस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, क्योंकि ये गाड़ी भी तो अपनी किसी ना किसी स्पीड में तो चल रही है, भले ही धीमे चल रही है पर चल तो रही है। तो आपने उससे ज़्यादा स्पीड अपनी बढ़ाई, साइड से निकाल के आपने उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी करी और फिर आप फर्राटे से बाहर आगे निकल गए। तो इस पूरे डिस्टेंस को जब आपने देखा कि आगे जगह खाली है, मैं आगे निकल सकता हूँ, और यहाँ पे भी जगह, साइड में भी जगह खाली है जहाँ से मैं आगे अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ, स्पीड बढ़ाई और आगे निकल कर आ गई, तो इस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारी सड़क सीधी है या कोई घुमावदार है। अब घुमावदार भी ऐसी घुमावदार है या ऐसी घुमावदार है, तो किस तरह की हम अपनी सड़क बना रहे हैं वो आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। अब आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब होता है जब हम सड़क बना रहे हैं और किसी पहाड़ी एरिया पे बना रहे हैं, तो जो हमारी सड़क है उसमें अगर कोई पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते कोई घुमावदार मोड़ आ गया तो आप अपनी सड़क कैसे बनाओगे। दूसरा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है, एक होता है प्लस ग्रेडियंट, एक होता है माइनस ग्रेडियंट। प्लस ग्रेडियंट का मतलब होता है आप सीधे सीधे चल रहे हो और अचानक से ऊंचाई आ गई और आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी और सड़क थोड़ी सी ऊंची हो गई, तो इसको हम कहते हैं प्लस ग्रेडियंट कि हमारा जो ऊंचाई है वो प्लस हो गई, इंक्रीज हो गई। और दूसरा होता है माइनस ग्रेडियंट, इसका मतलब आप सीधे सीधे चल रहे हैं और सड़क की ऊंचाई थोड़ी सी कम हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी अपने आप चल रही है, तो वो उसको हम कहते हैं माइनस ग्रेडियंट। तो अगर आप किसी पहाड़ी एरिया पे या कहीं पे भी बना रहे हो और आपकी सड़क सीधे सीधे चलते चलते थोड़ी सी ऊंची हो गई या थोड़ी सी नीची हो गई, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। उसके बाद लास्ट में आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो आपने हर कहीं देखा होगा जहाँ पे दो सड़कें आपस में मिलती हैं, जिसको हम चौराहा तिराहा भी कहते हैं, टी पॉइंट भी कहते हैं। जहाँ पे दो सड़कें आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे हमें कैसा ट्रैफिक रखना है, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, कहाँ से हमें अलाउ करना है कि जा सकते हैं, कहाँ पे हमें बैरिकेड्स लगाने हैं, कहाँ पे हमें सिग्नल लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इंटरसेक्शन में। तो अगर ये आपने पाँच बिंदु पढ़ लिए हैं तो आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पूरा हो चुका है। थैंक यू।